नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है कि मुर्गियों में, ब्रॉयलर में जो लंगड़ेपन की समस्या आती है, ये क्यों आती है और इसका बड़ा आसानी से समाधान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और आपका जो मुर्गी फार्म है ये बहुत अच्छा चले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे पोल्ट्री फार्म की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम बीमारी आने के बाद तो हम बाइक स्टार्ट करेंगे, कार स्टार्ट करेंगे और भाग पड़ेंगे डॉक्टर्स के पास, एक नहीं कई कई डॉक्टर्स के पास। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बीमारी आने से पहले ही ऐसा काम कर दें कि वो बीमारी आए ही ना। अब लंगड़ापन को आप बीमारी ना समझें, लेकिन यस, लंगड़ापन भी एक किस्म से बीमारी ही है जिसको हमने खुद आमंत्रित किया है। इसका कारण यह है कि जब भी बर्ड मतलब ब्रॉयलर लेयर जो भी हमारा चिक्स है इसको कह लें, जब भी बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसके कैल्शियम की एब्जॉर्ब, उसके शरीर की जो कैल्शियम के सोखने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब कब कब कम होती है? बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल और वायरल डिजीज आ रही हैं, या आपके फार्म पे नहीं भी हैं तो आपके आस पड़ोस के फार्म पे वायरल या बैक्टीरियल डिजीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके फार्म पे भी है। तो बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो लड़ रही है बैक्टीरिया और वायरस से, तो उस समय बर्ड जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कम कर पाता है। स्ट्रेस में बर्ड कैल्शियम को एब्जॉर्ब कम कर पाता है, तो उस स्टेज में आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट को बढ़ाना है ताकि बर्ड में लंगड़ेपन की समस्या ना आए। अब कैल्शियम कैसे देना है? बहुत सारे फार्मर हैं जो दुकान पे गए, कैल्शियम दे दो, कैल्शियम ले आए और बर्ड को डाल दिया, फिर भी बर्ड ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कैल्शियम आपको वही देना है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, B12 और सबसे महत्वपूर्ण तत्व D3। ध्यान दीजिए, बिना D3 के कैल्शियम, फास्फोरस, B12 वाला कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं देना है। और देना कब है? जैसे ही बर्ड आपका 7-8 दिन का होता है, आप उसमें 2-3 दिन कैल्शियम उसको दे दें ताकि बर्ड की बॉडी में अगर कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो पूरी हो जाए। उसके बाद जैसे ही बर्ड आपका 22 दिन की स्टेज पर आए तो 2-3 दिन या 4 दिन आप दोबारा कैल्शियम सप्लीमेंट उनको दे दें। ये कोई साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, कैल्शियम, फास्फोरस, B12 और D3 बर्ड के अंदर एक्स्ट्रा जाने से बर्ड की जो एब्जॉर्प्शन कम हो गई थी उस कम एब्जॉर्प्शन को ये पूरा कर देता है। इससे बर्ड के लंगड़ापन होने के चांसेस या तो खत्म हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे आपके पोल्ट्री फार्म की फायदे को बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री फार्म की मृत्यु दर कम करने के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। पोल्ट्री से जुड़ी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपके लिए वो वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।